तो प्रीवियस क्लास वी हैव सीन रिगार्डिंग डाइपोल्स और हम देखे थे हाउ कम डाइपोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, एक डाइपोल प्रैक्टिकली कैसे एग्जिस्ट करता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। अभी डाइइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, क्या होता है डाइपोल के केस में, हम लोग क्या करेंगे, अभी बहुत सारा चीज समझेंगे लेकिन थोड़ा सा चीज लिखेंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है, समझने के लिए बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तो आप में से कुछ लोग जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको करने में आसान होगा। तो क्या होता है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ईच मटेरियल, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, हर एक मॉलिक्यूल में आप जानते हो द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने के कारण एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इस ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन है। आप अगर ये सारा इलेक्ट्रॉन का सेंटर निकालोगे, कहाँ है सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आप देखोगे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भी समवेयर हियर, तो लगता है कि जी ये सारा चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है। कितना चार्ज, जितना प्रोटोन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, दिस इज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, तो एक डाइपोल एग्जिस्ट किया नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब हुआ इन ए मटेरियल ईच मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ए डाइपोल, वो डाइपोल इस मटेरियल के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि अगर हम देखेंगे कोई एक मॉलिक्यूल का डाइपोल ऐसा है, दूसरा मॉलिक्यूल का डाइपोल ऐसे रहेगा, तीसरा का ऐसे रहेगा, फिर सी द डाइपोल्स आर एग्जिस्टिंग इन ग्रुप्स फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल ग्रुप में रहते हैं क्लोज लूप करते हुए, कितने तो कुछ ठिकाना नहीं, हो सकता है एक ग्रुप में पांच है, एक ग्रुप में छह है, एक ग्रुप में तीन है, ऐसे करके डाइपोल्स ग्रुप बना के बैठे, हो सकता है दो का एक ग्रुप बन गया, ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं कि एक का हेड के पास दूसरा का टेल रहता है, इसका हेड के पास इसका टेल रहता है, ऑब्वियस है ये कोई एक डाइपोल है, ये अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कोई डाइपोल अगर इस रीजन में अवेलेबल रहा, ये उसका पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इसका नेगेटिव चार्ज हुआ, ऑटोमेटिकली व्हाट विल फाइंड, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन के कारण इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज पास आने की कोशिश करेगा, उस समय के बाद स्टेबल कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज है, सो दे विल फॉर्म क्लोज लूप, ऐसे क्लोज लूप बनाने के कारण हर एक डाइपोल का अपना अपना डाइपोल मोमेंट है। अगर हम कहेंगे ये एक डाइपोल है जिसका मोमेंट पी है, ये एक डाइपोल है जिसका मोमेंट पी है, तो आपको कोई अगर पूछेगा बताओ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या है, यू नो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पर और भी एक डाइपोल ऐसा है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा, ऐसा है या फिर ऐसा है, अब अगर क्लोज लूप बन गया तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए क्लोज लूप देन यू से द रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर डाइपोल्स तो है बट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। और कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर इससे अलग होगा, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर एग्जैक्टली न्यूक्लियस के साथ मैच कर रहा है, इन दैट केस वी सी डाइपोल्स आर नॉट एग्जिस्टिंग इन द मटेरियल। एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट ए डाइइलेक्ट्रिक जिसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मतलब इसमें दो ठोक पोल है डाइइलेक्ट्रिक को कहते हैं, सो इट इज ए डाइइलेक्ट्रिक जिसमें ये मटेरियल में और डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, आप जानते हो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक डाइपोल के ऊपर टॉर्क आता है, और वो टॉर्क कितना होता है, वो टॉर्क होता है ईपी साइन थीटा, तो ये टॉर्क इसको ऐसे घुमा के
अपना डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फोर्स पाता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे फोर्स पाता है, ये घूम के ऐसे आयरन होने की कोशिश करता है। तो ये सारा डाइपोल घूम के इसी के डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेंगे, तो क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण ये सारे घूम फिर के ऐसे अलाइनमेंट हो गए। इच डाइपोल गेट ओरिएंटेड एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले डाइपोल तो थे, डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन अभी डाइपोल है लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बिकॉज ऑल डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट इज गुड राहुल, यू आर लेट। तो ऑल डाइपोल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो देयर इज ए इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। जब किसी एक डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दिखाते हैं, उसके अंदर की डाइपोल घूम के डायरेक्शन में हो जाते हैं और एक डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पॉइंट नंबर वन, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, कैपेसिटेंस ऑफ, क्या देख रहे हैं, when a dielectric is exposed to an external electric field, an effective dipole moment is developed in it. This phenomenon is called polarization. ये phenomenon को हम कहते हैं polarization. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जब भी कोई डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में एक्सपोज करते हैं और इसमें एक इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, द फेनोमेनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो इफेक्टिव एक पोलराइजेशन यहां पर क्रिएट हुआ, यू से द मटेरियल इज पोलराइज्ड। अब दूसरी चीज ये हुआ कि जब ये डाइपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड लगाए, लगाने के बाद क्या हुआ, ये ऐसा अलाइनमेंट हो गया। अब सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल पहले कुछ इस पोजीशन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण घूम के ऐसे हो गया, ऐसे हो जाने के बाद पी पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया है, P और E के बीच में एंगल जीरो होने के कारण, P और E के बीच में एंगल जीरो होने के कारण अभी इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, और आप जानते हो कि इसके ऊपर तो नेट फोर्स भी जीरो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर को फोर्स आता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर को फोर्स आता है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। फिर भी ये जो फोर्सेस आते हैं ये डायपोल को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा कि ये डायपोल टूट जाएगा। ये क्या था, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या था, द न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे के चुंगल से फ्री हो जाएंगे। मतलब कोई न्यूक्लियस को छोड़ के उसका सारा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे और ऑल दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, दे एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो कि हम कोई एक डाइइलेक्ट्रिक को बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ थे, उनको छोड़ के
आने लगे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनको खींच रहा है, तो अपना एटम को छोड़ के वो भागने लगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आने लगे तब दो तीन चीज इफेक्ट होता है। अभी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भगा देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वापस नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा, बिकॉज इट इज ए डायलेक्ट्रिक, इट इज एन इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा, वो फ्री ही रह जाएगा। मतलब द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, एक बार इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के निकल गए दे विल नेवर गो बैक टू द न्यूक्लियस अगेन। हाँ, अगर ये कंडक्टर होता ये इलेक्ट्रॉन आसानी से वापस चले जाते, अब ये नहीं जा पाएंगे। अब क्या होगा, होगा ये कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रहेंगे। अभी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट जोन से चलने लगेंगे। यू नो व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट। हाँ, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन चल रहे तो एक छोटा सा करंट होगा, करंट इज वेरी स्मॉल, करंट स्मॉल है, लेकिन ये जो पाथ में ये आ रहा है ये तो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसमें थर्मल पावर डेवलप होगा I2R। I is small but R is very large, it's insulator। तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं वो थर्मल इंसुलेटर्स भी होते हैं। मतलब जो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मान लो वुड, तो वो थर्मली भी इंसुलेटर है, एक तरफ हीट दोगे तो दूसरे तरफ को हीट फ्लो नहीं कर पाएगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं वो थर्मल इंसुलेटर्स भी होते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण कुछ हीट जनरेट हुआ, वो हीट बाहर नहीं जा पाएगा, उसी जगह पे कन्फाइंड होकर रह जाएगा। कन्फाइंड होकर रहने से क्या होगा, ये जगह जिस रास्ते से आया वो रास्ता पूरा जल जाएगा। विल सी फिजिकली वो जगह पूरा जल गया है और क्रैक कर गया है, तो हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया, डायलेक्ट्रिक पंक्चर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें पंक्चर करके, फिनोमेनन इज कॉल्ड पंक्चर ऑफ डायलेक्ट्रिक और ब्रेकडाउन ऑफ डायलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब सिलसिला शुरू हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द डायलेक्ट्रिक। मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ये डायलेक्ट्रिक पंक्चर कर जाएगा वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक के ऊपर, कैसा इंसुलेटर है उसके ऊपर, है ना। स्ट्रॉन्ग, मान लो कि आप जितने भी सारे आप सोचते होंगे कि जो वायर आप खरीदते हो मार्केट में, आप जो वायर खरीदते हो मार्केट में उसके अंदर एक कॉपर वायर है, उसके चारों तरफ इंसुलेशन है, जरूरत पड़ता है आपको कॉपर वायर कहीं कनेक्शन देना है तो एक कॉपर वायर को लेते हैं, ऊपर का इंसुलेटर को छील के उसका लीड निकालते हैं और जोड़ देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जो वायर यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट है 10 रुपीज पर मीटर, तो उसमें से ऑलमोस्ट 9 रुपीज इज ओनली फॉर द इंसुलेशन, 1 रुपीज इज फॉर द कॉपर। समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर इज मच मोर देन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर। अब ये वायर आप घर में यूज कर रहे हो ठीक है, कोई हाई वोल्टेज लाइन में आप ये वायर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंसुलेटर आप उसके ऊपर लिए हो ये इंसुलेटर हाई वोल्टेज में काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब क्या होगा, पंक्चर कर जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा टर्म डेवलप किए उसको लिखेंगे। क्या है दूसरा टर्म, दूसरा टर्म जो जितना चाहिए उतना लिखेंगे, पहले से बोले ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन बियर इट कैन विदस्टैंड इट कैन टॉलरेट बिफोर ब्रेकिंग डाउन और गेटिंग पंचर। ठीक है, तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक रेफर्स टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई,
वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर मीटर जैसे होता होगा, तो यूनिट क्या हो गया, यूनिट हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर और वोल्ट पर मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हो यार कि फॉर एयर, एयर भी तो एक इंसुलेटर है, फॉर एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ईबी, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितना है 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब अगर आप किसी एयर, मान लो आप दो टो इलेक्ट्रोड लेते हो, दो टो इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में गैप है 1 सेंटीमीटर, और अगर आप इन दोनों में आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे कितना 36 किलो वोल्ट, मतलब 36,000 वोल्ट, 36,000 का वोल्ट अप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे, ये बीच का जो एयर था 1 सेंटीमीटर गैप में जो एयर था, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो ये दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन एयर इज कॉल्ड स्पार्किंग, यू से स्पार्किंग स्टार्ट्स, तो इसके दोनों के बीच में स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा अगर आप गैप को ज्यादा कर लोगे तो फिर स्पार्किंग नहीं होगा, ये स्पार्किंग का मैकेनिज्म को भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, आप देखोगे पुराना व्हीकल्स में और आजकल के भी व्हीकल्स में स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग में 2 लीड होते हैं, उनके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है, आप जब एक किक मारते हो गाड़ी में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसके चलते ये गैप में ब्रेकडाउन होकर स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग होता है तो आपका फ्यूल जो इग्नाइट हो जाता है, पेट्रोल जलने लगता है, अगर ये गैप को थोड़ा ज्यादा कर देंगे या उसके ऊपर कार्बन हो जाएगा तो फिर आप कहोगे कि ये, अगर आप दोनों को गैप ज्यादा कर लोगे या बीच में कार्बन हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल सी देयर इज नो करेंट, नो स्पार्किंग करेंट बिटवीन देम, ठीक है। तो ये जो ब्रेकडाउन है, आप वेल्डिंग करते हो तो आप सोचते हो कि वेल्डिंग रॉड को लेके से टच कर दिया वेल्डिंग हो गया, नहीं, करके देखो आप वेल्डिंग नहीं कर पाओगे, वो लोग क्या करते हैं वो वेल्ड रॉड को लेके वो लोहे के पास एकदम पास में पकड़ के रखते हैं, टच नहीं करवाते हैं, टच करेंगे तो करंट तो फ्लो करेगा ही, थोड़ा सा गैप रखने से करंट जंप करके जाएगा, और दैट करंट इज पासिंग थ्रू एयर, एयर इज ए इंसुलेटर, सो आई स्क्वायर आर फेनोमेनन से एनर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है कि वहां का आयरन मेल्ट कर जाता है, वहां का आयरन मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके अब दो आयरन पीस मेल्ट कर गया, फिर जोड़ दो मोल्टेन आयरन, फिर ठंडा हो गया, दोनों जुड़ गए, है ना, ऐसा। तो हमें क्या पता चला, आपको पूछेंगे वो वन मार्क क्वेश्चन में व्हाट इज द यूनिट ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, सो यू से इट इज वोल्ट पर सेंटीमीटर, एयर के लिए ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितना है 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किए, तो क्या हुआ, ये मान लो कि ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक है और यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है और ये डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके अंदर जो डाइपोल्स थे वो ऐसे ऐसे अरेंज हो गए हैं, ये ऐसे ऐसे अरेंज हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं इसमें कुछ चार्ज आने लगेगा, क्योंकि इधर क्या दिखेगा नेगेटिव चार्जेस, इधर पॉजिटिव चार्जेस, जितना नेगेटिव चार्ज दिखेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, है ना, ये किसमें, ये बात चल रहा है डाई इलेक्ट्रिक का, इन ए डाई इलेक्ट्रिक दिस इज द थिंग हैपनिंग, तो जितना नेगेटिव चार्ज निकलेगा यहां पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज दूसरे तरफ दिखाई देगा, है ना। कंडक्टर में भी तो ऐसे होता था, कोई एक कंडक्टर में क्या होता था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता था, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता था, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के होते थे, इनको छोड़ के भाग के आ गए हैं, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इनके नहीं है, इनके घर वाले उनके साथ है,
ये फ्री हो जाते थे, इसीलिए जब इसको ग्राउंड के साथ जोड़ते थे ये न्यूट्रलाइज हो जाते थे, लेकिन ये न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, दिख तो रहे हैं पॉजिटिव लेकिन उनके साथ साथ उनका नेगेटिव चार्ज उनके साथ मिलके घर बसाए हैं। आप इनको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे कोई न्यूट्रलाइज होने वाली बात नहीं है, ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा, हम कहेंगे दीज आर नॉट फ्री चार्जेस, दीज आर बाउंड चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन इक्वल एंड अपोजिट बाउंड चार्जेस अपीयर ऑन टू साइड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दीज चार्जेस आर नॉट फ्री चार्जेस, नॉट फ्री चार्जेस बट बाउंड चार्जेस, मीन्स कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड, इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हो, पता दूसरा पॉजिटिव चार्ज लगे टच करवा दिया नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, नहीं 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 वो अपने साथ है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं क्या है, किसी एक एटम की घर की बात है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है न्यूक्लियस, नेगेटिव क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कोई एक एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज लेने से वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि पूरा एटम ऐसे ही न्यूट्रल था। ठीक है, तो ये हो गया बाउंड चार्जेस। अब चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दोनों एंड में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और आप देखोगे इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अगर हम उसको भी कहेंगे, ठीक है, तो यहां पर टर्म आता है कैपेसिटेंस, क्या कहता है, इफ क्यू कूलम ऑफ चार्ज अपीयरिंग एट टू एंड्स डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, देन कैपेसिटेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय सी, क्या है क्यू बाय वी कूलम पर वोल्ट, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं फराड। ठीक है, पहली मिसकंसेप्शन से बाहर निकलो, काफी लोग ये मिसकंसेप्शन में है कि कैपेसिटेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, नो 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 नो, कोई कंडक्टर चाहिए नहीं आपको कैपेसिटर बनाने के लिए, बिना कंडक्टर का भी कैपेसिटर बन सकता है, बट व्हाट इज डेस्परेटली रिक्वायर्ड इज ए डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर नहीं बनेगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है इट इज फॉर ए डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर का कैपेसिटेंस नहीं होता है। तो आप बोलोगे हाँ सर आप पे पढ़े पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, दो प्लेट होते हैं, अरे नहीं वो प्लेट प्लेट का कैपेसिटेंस नहीं होता है, दो प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसका कैपेसिटेंस होता है, तो फिर प्लेट क्यों रखते हैं, अरे प्लेट रखेंगे तो उनके ऊपर चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए दो प्लेट लेते हैं उनमें चार्ज रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डाइलेक्ट्रिक अपना कैपेसिटेंस इफेक्ट को एग्जीबिट करेगा। रिमेंबर कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक नॉट ऑफ ए इंडक्टर नॉट ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, कैन यू कीप ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इन एयर, का एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है,
वन मीटर रेडियस का है, आर का वैल्यू वन है, क्या इसके ऊपर हम वन कूलम चार्ज रख सकते हैं एयर में, मतलब चारों तरफ एयर है। तो देखते हैं, फॉर वन कूलम चार्ज ई एट सरफेस इज इक्वल टू, कोई कंडक्टिंग स्पीयर है जिसका रेडियस वन मीटर है, आर है, चार्ज क्यू है, तो आप जानते हो कि जो इंटेंसिटी एट दी सरफेस होता है वो होता है क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू का वैल्यू वन है, आर का वैल्यू वन है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर। जबकि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज 36,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। और इसको अगर मीटर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻², तो आई कैन राइट इट इज 10⁻²। तो इट कम्स आउट टू बी 36 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। मतलब एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, एयर ब्रेक कर जाएगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उनको हम कंडक्टर में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन से मूव करने के लिए। यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है सरफेस में, ये इससे काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, जो सराउंडिंग एयर था वो ब्रेक कर जाएगा एंड उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। होगा क्या, ये था आपका स्पीयर, स्पीयर का चारों तरफ का एयर ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करने के बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, एयर विल बिहेव एज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर बिहेव करने के कारण, आप जानते हो जब कंडक्टर को चार्ज देते हो कहां जाता है, टू दी सरफेस, तो जो चार्ज आप यहां पर दिए थे इसके ऊपर देना चाहते थे वो चार्ज यहां नहीं रहेंगे, वो यहां पे आ जाएंगे, उस स्पीयर पे नहीं रहेंगे, और कहां जाएंगे, टू दी सराउंडिंग एयर। सो यू कैन नॉट कीप वन कूलम चार्ज, यू कैन नॉट कीप वन कूलम चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग स्पीयर। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर इधर से जोर से हवा चला, एक एयर उड़ गया, सारा चार्ज उड़ जाएंगे। अगर आप बगल में खड़े हो, अगर वो चार्ज आपके बॉडी में पहुंचे, थ्रू योर बॉडी वो ग्राउंड में जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, खुले खुले मेरे को जान क्यों निकल गया, मैं तो कुछ किया ही नहीं था, बगल में खड़ा था। इसलिए हाई वोल्टेज लाइन की बगल में जाना मना है। जितने सारे हाई वोल्टेज लाइन बहुत ज्यादा हाइट में करते हैं, बगल में खड़े रहोगे, इधर से कोई पंखा चला दिया, सारा चार्ज उड़ के आपके ऊपर आ गया, और यू आर ए कंडक्टिंग बॉडी, जो भी चार्ज आपके ऊपर आएगा वो सारे अंदर जाएगा, और आप पता चला कि जान से हाथ धो बैठे, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, नो वन विल आस्क यू दिस एक्सप्लेनेशन, नो वन विल आस्क यू दिस एक्सप्लेनेशन, हाँ थोड़ा सा लिख सकते हो, आंसर है। सो आंसर क्या हुआ, नो यू कैन नॉट कीप, बस वन मार्क आता है उतना ही तो, और अगर कोई समझा के लिखना चाहेगा तो समझा के लिख सकते हो। तो क्या आप वन कूलम चार्ज किसी कंडक्टिंग स्पीयर जिसका रेडियस वन मीटर है, वन मीटर के रिपेयर इतना बड़ा होता है, सोचो कितना बड़ा स्पीयर हुआ, इतना बड़ा स्पीयर में हम वन कूलम चार्ज नहीं रख सकते, क्योंकि वो भाग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वन कूलम इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, वी वर टॉकिंग विद कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस को आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे व्हाट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पॉइंट नंबर 3-4 देख चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम क्यों कहते हैं, अरे उसमें दो पैरेलल प्लेट होगा इसलिए कहते हैं,
कैसे बनाते हैं? दो तो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ले लो, जस्ट टेक टू प्लेट्स, होल्ड देम विद सर्टेन सेपरेशन, और अब हो गए उसके अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक रख दो, कम से कम एयर तो रहेगा ही, दो प्लेट के बीच में से पकड़ के रखोगे उसके बीच में कुछ एयर रह जाएगा, तो हम कहेंगे ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है। अगर मान लो दो प्लेट के बीच में कंडक्टिंग प्लेट, दो अल्यूमिनियम प्लेट या कॉपर प्लेट के बीच में एक पीस ऑफ पेपर रख दो, तो आप कहोगे पैरेलल प्लेट पेपर कैपेसिटर। डिपेंडिंग अपॉन द डाइलेक्ट्रिक यूज्ड हियर यू नेम द कैपेसिटर। आई एम टॉकिंग अबाउट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, कम से कम एयर तो होगा, और ये इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। इसका मतलब क्या प्लेट का नहीं, इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये प्लेट क्यों रखें? क्योंकि इसमें चार्ज देंगे तो इसमें लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और एक कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक था वो पोलराइज हो जाएगा और उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम ये देखना चाहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो पहले समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। सपोज हम कहेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम एक बैटरी के क्रॉस में लगा दिए। ठीक है, ये कनेक्टिंग प्लेट है, यू नो दिस इज ए हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, और अगर इसमें कोई चार्ज क्यू आ गया, इसके चलते ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या होगा, दिस विल इंड्यूस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द अदर साइड। अदर साइड में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, लेकिन आप जानते हो कि जो चार्ज इंड्यूस होता है वो हरदम पेयर में होता है, इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, बट दिस पॉजिटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रॉन जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, ओनली हियर इज प्लस क्यू, हियर इज माइनस क्यू। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अभी सारा चीज हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पांच मार्क वाला, स्कूल में आता है, डेरिव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे टाइप आंसर, विल राइट पॉइंट वाइज, क्योंकि हर एक पॉइंट से कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनेंगे, और सारा पॉइंट को ऑल टुगेदर लिख दो, आपका नोट भी बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ सेम एरिया ए सेपरेटेड बाय ए स्मॉल सेपरेशन। यूजुअली दोनों के बीच में जो गैप होता है काफी कम होता है, ये नहीं कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर भी होता है, स्मॉल सेपरेशन डी। तो इसमें दो पैरेलल प्लेट से कंडक्टिंग प्लेट से दोनों का एरिया ए है और दोनों के बीच में छोटा सा गैप है बीट नंबर टू। ए चार्ज क्यू ऑन वन प्लेट, ए चार्ज क्यू ऑन वन प्लेट इंड्यूसेस क्या, ए चार्ज क्यू ऑन वन प्लेट इंड्यूसेस चार्ज माइनस क्यू ऑन अदर प्लेट। जनरली कोई अगर पूछेगा बड़ी तो चार्ज इन द कैपेसिटर, डोंट से इधर क्यू इधर माइनस क्यू, से इट इज क्यू, से द चार्ज इन द कैपेसिटर इज क्यू। ठीक है, चार्ज इन द कैपेसिटर हो गया क्यू। तो चार्ज क्यू अगर एक प्लेट में होगा, दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू होगा। ठीक है, बीट नंबर थ्री। अब यहां पर जो चार्ज है प्लस क्यू, उसके चलते लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलेंगे और पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और आप तो गॉस लॉ जानते हो,
क्या जानते हो q कूलम चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है? q बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर ये कोई एक डायरेक्ट ऐसा एक सरफेस इमेजिन करेंगे, इफ यू इमेजिन ए सरफेस लाइक दिस, तो आपको होगे फाइव, जो फ्लक्स यहां से निकल रहे वहीं पे पहुंच रहे, फाइव फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ पॉजिटिव प्लेट कितना है? इट इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। कौन बताया? हम बनने से थोड़ी होता है, ये तो होता है बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से पता चला कि q कूलम चार्ज से q बाय एप्सिलॉन फ्लक्स निकल के जा रहा है। तो फ्लक्स कहां पर जाता है? पॉजिटिव प्लेट के पास कि नेगेटिव प्लेट के पास? कहां पर जाता है? अरे ज्यादा क्या, जितना निकलता वही तो जा रहा है। व्हाटएवर फ्लक्स इज कमिंग आउट हियर, सेम फ्लक्स इज रीचिंग हियर, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज पासिंग थ्रू आउट। ठीक है, हमें पता चल गया कि एक क्यू कूलम चार्ज से फ्लक्स निकल के माइनस क्यू पे जाके खत्म हो रहा है, और यहाँ पर तो कोई भी फ्लक्स नहीं है, सब अंदर की बात है, बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स बाय नॉर्मल एरिया। यहां से जो फ्लक्स जा रहा है ऐसे जा रहा है, कितना एरिया पे जा रहा है? जितना प्लेट का एरिया है, तो प्लेट का एरिया पे ही फाइव फ्लक्स आगे जा रहा है। सो फाइव अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज पासिंग ओवर एरिया ए। तो आप क्या कहोगे? हमारा प्लेट का एरिया ए था, फाइव का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो था, सो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो बाई ए, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और आप देख रहे हो जितना फ्लक्स निकल रहा है सारा यहाँ पे जा रहा है, रास्ते में हर जगह एरिया बराबर है, फ्लक्स बराबर है। तो आप कहोगे दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया। हमें क्या करना था? कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे? अगर क्यू कूलम चार्ज देने से पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है तो कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई भी, क्यू कूलम चार्ज देके ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। बीट नंबर फाइव, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कैसे निकालते हैं इसको? इट इज द वर्डन अगेंस्ट ई इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट। एक प्लेट से दूसरा प्लेट जाने में जो वर्क होगा, देखो ई तो हर जगह कॉन्स्टेंट है, वर्क निकालना चाहते हैं ना। जब फोर्स कॉन्स्टेंट होता था वार्डन होता था, एफ डॉट एस नहीं होता था, फोर्स कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पर तो ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगेंस्ट ई कितना वर्क होगा? ई इनटू डी। डी क्या है? डी इज द स्मॉल प्लेट सेपरेशन। तो क्या हो गया? वन प्लेट टू अदर प्लेट, तो कितना हो जाएगा? ई इनटू डी। और ई का वैल्यू तो हम देख चुके हैं, क्या था? क्यू बाई एप्सिलॉन, so it is q d by a epsilon 0 is the potential difference. So when you apply a charge q at the two ends, you develop a potential difference b in the dielectric. ठीक है ना? तो फिर कैपेसिटेंस वो तो निकल गया, कैपेसिटेंस c is equal to q by v,
q तो q है, q by v करेंगे तो सोचो v इक्वल ये था, it is q by v, q की जगह q क्या वैल्यू, v की जगह इसका लिखेंगे qd by epsilon, ऊपर चले जाएगा, नीचे था ऊपर आ जाएगा, तो क्या कटपट के मिला, q कैंसिल हो गया, a epsilon naught by d, ठीक है, it is a epsilon naught by d, the capacitance is a epsilon naught by d. और ये epsilon naught इसलिए आया क्योंकि बीच में एयर रखे थे हम, अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक होता, पेपर होता, माइका होता, कुछ दूसरा होता तो epsilon की जगह epsilon 0 into epsilon r होता, ठीक है. तो इससे हमें ये समझ में आया, इन जनरल the capacitance of a parallel plate capacitor is a epsilon naught into epsilon r by d. हाँ, if it is a air capacitor तो a epsilon 0 by d, ठीक है, it is a epsilon 0 by d. आप लोगों को समझ में आ गया. तो अगर आपको आएगा एग्जाम में लिखने के लिए derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor, तो आपको क्या करना है, ये यहां से यहां तक लिखना, खत्म हो गया आपको, स्टेप वाइज करके लिखो. मैं इसे स्टेप वाइज करके क्यों लिखा, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल में ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगे, ये सब चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहा, इसलिए मैं ऐसे लिखा, ठीक है. तो अब मैं ये वाला पार्ट को मिटाता हूं. क्या लिखूंगा मैं यहां पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाय डी, ए इज प्लेट एरिया, डी इज प्लेट सेपरेशन, एप्सिलॉन आर इज परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का रिलेटिव परमिटिविटी है ये, तो आप कहोगे ये हो गया एप्सिलॉन आर, समझ में आया. तो ये चीज आपको याद रखना है, और इसमें जो जो फॉर्मूला देखे थोड़ा यहां पे लिख देते हैं. दूसरा हुआ हम देखे कि c इज इक्वल टू q by v, तो अगर किसी कैपेसिटर में q को बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बाय इंक्रीजिंग q कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए ना, नहीं 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 नहीं, q को बढ़ाओगे कैपेसिटेंस अफेक्टेड नहीं होगा, q को बढ़ाओगे भी बढ़ जाएगा, रेशियो विल रिमेन द सेम, द रेशियो विल रिमेन द सेम, ठीक है. तो आप कहोगे c डज नॉट चेंज, with variation of q and v, it depends on shape and size and nature of dielectric, नेचर ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, नेचर कैसा है, एप्सिलॉन आर कैसा है. जैसे आप जानते हो कि आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज वी वेरी आई, वी को बदलने से आर नहीं बदलता, क्यों, वी को बदलने से आई बदलेगा, दिस इज कांस्टेंट, क्यों नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर और उसका डायमेंशन के ऊपर. क्या फॉर्मूला होता है, रो एल बाई ए, ठीक है ना. तो जब तक मटेरियल का रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया नहीं बदला, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, इनके साथ कुछ भी छेड़खानी करो, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज. सिमिलरली दो
capacitance is given by Q by V, yet it is not affected by changing the value of Q and V. Q बदलोगे, V proportionately बदल जाएगा and the ratio will remain a constant. So for a capacitance, Q or V is not a parameter to change the capacitance. तीसरी important चीज इसमें हम ये देखना चाहेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो कैपेसिटेंस था वो क्या था, ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी, ठीक है। तो सोचो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एरिया कितना बड़ा प्लेट लोगे आप यूज करोगे कैपेसिटर, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कुछ भी करोगे, बहुत बड़ा प्लेट लोगे भी तो यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। मान लो कि हम बड़े बड़े प्लेट्स लिए और प्लेट का मान लो प्लेट को छोड़ो हम डी को ले लिए, कितना डी को ले लिए 1 मिलीमीटर, क्यों इतना कम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो दो प्लेट है ना इसमें जो चार्जेस है वो चार्जेस सीधे सीधे नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे, अगर इन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, तो ये चार्ज यहां से निकल के ऐसे भी जाने लगेंगे, तो सारा फॉर्मूला बदल जाएगा। दैट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ फ्लक्स व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। कितना कहेंगे 10^-3 मीटर, सोचो अगर एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू है 10^-12, D का वैल्यू है 10^-3, A का वैल्यू कुछ होने से हम मानते हैं कि मान लो 1 फराड का कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन ये 1 फराड का होने के लिए ये क्या हो गया A into 10^-9 हो गया 1 फराड, मतलब A कितना होना चाहिए, A होना चाहिए 10^9 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो, 10^9 या फिर इधर थोड़ा इधर उधर करके 10^8 कर लेंगे, 10^8 मीटर स्क्वायर, मतलब 10^4 × 10^4। आप प्लेट्स लोगे, जिस स्क्वायर प्लेट्स लोगे, जिस स्क्वायर प्लेट का एरिया होगा 10^10 करोड़ मीटर स्क्वायर, 10 करोड़ मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ 10,000 मीटर। तो अगर आप इतने बड़े बड़े स्क्वायर प्लेट लोगे इसका एक एक साइड लेंथ कितना है 10 किलोमीटर, तो आप बनाओगे कितना बड़ा कैपेसिटेंस 1 फराड, मतलब 1 फराड इज ए लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। प्रैक्टिकली 1 फराड कैपेसिटेंस पाना मुश्किल है, हम लोग हरदम कैपेसिटेंस यूज करते हैं इन माइक्रो फराड में, पिको फराड में, नानो फराड में रीडिंग। तो ये सारे चीज बताने के लिए मैं इतना सारा कसरत यहां पे किया, मैं आपको बता सकता हूं कि 1 फराड is a large unit of capacitance. 1 फराड is a large unit of capacitance. हम लोग प्रैक्टिकली माइक्रो फराड भी यूज करते हैं, माइक्रो फराड मतलब 10^-6 फराड, नानो फराड मतलब 10^-9 फराड, पीको फराड मतलब 10^-12 फराड, ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 फराड इज ए लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये सारा चीज अभी हम लोग इसके साथ साथ देख लिए कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्यू बाई भी होता है और उसका अंदर की सारा चीज देख लिए, थोड़ा खाली फॉर्मूला को लिस्ट आउट कर लेंगे ताकि हम लोग न्यूमेरिकल बना पाएंगे। क्या देखिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी और क्या ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बाई डी। ई क्या था, ई फ्लक्स क्या था, फ्लक्स वाज क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो और इट वाज ई क्या था, ई वाज फ्लक्स बाई एरिया कहो या क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो कहो, या आप जानते हो कि भी इज इक्वल टू ई डी है, तो ई को आप भी बाई डी लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू ई डी हम लोग निकाले थे तो E इक्वल टू वी बाई डी लिख सकते हो, और सिमिलरली हाई को आप E इनटू एरिया लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और
वी हो गया ई डी और डी क्यू डी वाई ए एप्सिलॉन जीरो ऐसे लिख सकते हो और क्या हो गया कापा सदिश। तो इतने सारे फॉर्मूले हमारे साथ आए ये सारे को याद रखेंगे तो इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेगा। बस समझ में आना चाहिए चीजें क्या है। डी इज द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, डी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, क्यू इज द चार्ज ऑन द प्लेट, ई इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है तो इतने सारा चीज अगर हमें समझ में आ गया तो अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ निम्नलिखित करेंगे। दिया है एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड वाज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो पहला चीज तो ये हुआ अब कोई कैपेसिटर को हम 12 वोल्ट बैटरी में लगाए हैं, ठीक है ना, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अभी 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वायर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर किसी भी रास्ते में। तो क्या हुआ हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैरड, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज होता है सी बिकॉज़ सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी हो गया 20 माइक्रोफैरड, ठीक है माइक्रोफैरड इनटू वी है 12, तो कितना हो गया ये 12 into 20 is 240 into 10 power minus 6 चार्ज का यूनिट कूलम और 10 power minus 6 है तो आप इसको 240 माइक्रो कूलम लिख सकते हो। प्लेट सेपरेशन दिया है दो प्लेट के बीच में गैप दिया हुआ है कितना d कितना है वो 2 मिलीमीटर पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं अभी थोड़ी देर फॉर्मूला लिखे थे E equal to V by D, हम Q by A epsilon वाला भी फॉर्मूला जानते हैं लेकिन एरिया epsilon वगैरह तो मालूम नहीं है ना कैसे करेंगे। E equal to V by D हो गया V कितना है 12 volt, D कितना है here what is D, D तो हम लोग लिखे ही नहीं थे V by D, इसमें D कितना है D is given 2 millimeter मतलब 2 into 10 पावर माइनस 3 मीटर सो 12 बाय डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10 पावर माइनस 3 इट इज 6 इनटू 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर 6000 वोल्ट पर मीटर। दो बिट पूछा गया था दोनों बिट निकल गए। कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का था, एयर कैपेसिटर मतलब अंदर हवा भरा हुआ था, ऑयल में डुबो दिए, ये एयर कैपेसिटर है, अब इसका कैपेसिटेंस कितना है ए एप्सिलॉन 0 बाय डी कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड, अब इसको ऑयल में डुबा दिए, ऑयल में डुबा दिए तो एयर था यहां पर ऑयल भर जाए, अब ये ऑयल भर गया है अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इट इज ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाय डी, लेकिन ए एप्सिलॉन 0 बाय डी का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोफैरड सो इट इज 10 इनटू एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया है 3 सो इट विल बी 30 माइक्रोफैरड। तो ऑयल में डुबा देने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, पहले तो था ओनली 10 माइक्रोफैरड और में डुबाने से कैपेसिटर बढ़ के हो गया 30 माइक्रोफैरड। ठीक है ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर वाज चार्ज्ड टू 20 volt, then it was connected across a 25 volt battery, what is charge supplied by 25 volt battery,
ये 25 वोल्ट बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, ठीक है? 25 वोल्ट की बैटरी के प्लस में लग गया, कुछ नहीं दिया है तो मतलब थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, बैटरी विथ लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, क्या मतलब है बताता हूं, लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय ट्वेंटी फाइव वोल्ट बैटरी, ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, ठीक है? ए पीपीएसी ऑफ 10 माइक्रोफैराड वाज चार्ज टू 8 वोल्ट और 80 वोल्ट एंड देन इट वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, नाउ द कैपेसिटर वाज डिप्ड इनटू डिप्ड इनटू ऑयल ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4, व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, ये हो गया क्वेश्चन, चार्ज कर दिए, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए, फिर इसको लेके ऑयल में डुबा दिए, बताओ क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे पूछा है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पहले बनाते हैं, सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 3, ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वाज चार्ज टू 20 वोल्ट देन वाज कनेक्टेड अक्रॉस 25 वोल्ट बैटरी, पहले हम क्या किए, पहले हुआ यूं कि कोई 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था और ये 10 माइक्रोफैराड था, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था और ये चार्ज हो गया था 20 वोल्ट में, तो व्हाट वाज द चार्ज, Q1 इनिशियल चार्ज, पहले कुछ छेड़खानी करने से पहले चार्ज क्या था, Q होता है C into V, सो दिस 10 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई टू 20 वोल्ट गिव्स यू 200 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैराड था इसलिए माइक्रोकूलम हो गया। Now it is connected across a 25 volt battery with like polarities together. Like polarities together मतलब हुआ यूं कि ये जो कैपेसिटर था इसका एक पॉजिटिव प्लेट था एक नेगेटिव प्लेट था, इसको लेके अभी हम क्या किए, एक दूसरे बैटरी के साथ लगा दिए जो कि 25 वोल्ट का है। Like polarities together मतलब लाइक लाइक, पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ दिए। नाउ व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 25 वोल्ट, अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्या, हाँ, C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, और वी बढ़ गया कैपेसिटेंस घट जाएगा, अरे नहीं, कैपेसिटेंस डज नॉट चेंज विद क्यू एंड वी, डिपेंड्स ओनली ऑन दी शेप साइज एंड डायमेंशन नेचर ऑफ द डायरेक्ट्री, तो Q2 क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, इसको V1 को अब इसको V2 को, मतलब 10 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड टू 25 इट इज 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम, मतलब पहले पॉजिटिव प्लेट पे कुछ चार्ज था 200 माइक्रोकूलम, अभी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है 250 माइक्रोकूलम, और किधर से तो चार्ज आने की रास्ता नहीं है क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक खड़ा है, यहां से
इधर से किधर से भी नहीं आ सकता है, जो भी चार्ज आया होगा इधर से चार्ज आया होगा, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा क्यू चार्ज सप्लाइड, चार्ज सप्लाइड इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज 50 माइक्रोकूलम। मतलब जो बैटरी चार्ज सप्लाई किया, कितना चार्ज सप्लाई किया, सप्लाई किया है 50 माइक्रोकूलम। द बैटरी है सप्लाइड 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया, 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। दूसरे केस में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का था और उसको 80 वोल्ट को चार्ज कर दिए, तो हम कहेंगे व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट कितना होगा। आप तो जानते हो कि C into V होता है, C is 10 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई टू 80 वोल्ट इज गिविंग यू 800 माइक्रोकूलम। अब ये कैपेसिटर को हम निकाल लिए, जिसमें क्या है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, 800 माइक्रोकूलम। बैटरी से तोड़ के निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर जो चार्ज था कहाँ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, जाने के लिए रास्ता नहीं है, ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, सारी तरफ से डिस्कनेक्टेड हो गया है। अब इसको अगर ऑयल में डुबो देंगे, now if I drop it into oil, when you drop it into oil, what will happen? इसके प्लेट पे जो चार्ज था वो तो वही रहेगा, प्लेट पे जो चार्ज था अभी भी वही रहेगा। क्यों, जाएगा कहाँ, रास्ता कहाँ है उसको जाने के लिए। तो ऑयल में डुबाने के बावजूद चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। ऑयल में डुबाने के बावजूद अंदर ऑयल भर जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, कैपेसिटेंस बदल जाएगा, लेकिन चार्ज वही रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, क्यू रिमेन सेम, ठीक है। न्यू कैपेसिटेंस क्या हो गया, न्यू कैपेसिटेंस हो गया ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बाय डी। अब ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी क्या था, जब ऑयल नहीं था, जब ऑयल नहीं था इसका वैल्यू क्या था, एयर था, तो क्या था कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। अब एप्सिलॉन आ चुका है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू है 10, क्यों दिया है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। मतलब जब एयर में था ये कितना था, वैल्यू लिख देते हैं ए एप्सिलॉन 0 / डी क्या था, 10 माइक्रोफैराड। अब इसको हम ऑयल में डुबा चुके हैं तो कैपेसिटेंस में एक नया टर्म एप्सिलॉन आर आ चुका है। अब क्या होगा कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू 10 है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4 है, 10 * 4 40 माइक्रोफैराड। बढ़िया कैपेसिटेंस, लेकिन चार्ज तो ही रहा, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, हम तो जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बेसिक फॉर्मूला। तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू तो जो था वही रहा, V न्यू, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज नाउ क्यू बाई सी। तो Q कितना था, Q निकाले थे हम लोग, कहीं ना कहीं तो निकाले होंगे, हाँ 800 माइक्रोकूलम बाय C कितना है 40 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, देखो तो कूलम बाय फैराड होता है वोल्ट, माइक्रो माइक्रो तो गए घर, 800 पे 40 हो गया 20 वोल्ट। तो ऑयल में डुबाने से क्या किए, एयर में उसको चार्ज किए 10 माइक्रोफैराड को चार्ज किए 80 वोल्ट में, बैटरी तोड़ दिए, फिर उसको कैपेसिटर में लेके ऑयल में डुबा दिए, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 20 वोल्ट। तो बाय डिपिंग इट इनटू ऑयल द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजिंग। जितने सारे हाई वोल्टेज मटेरियल होते हैं सारे को ऑयल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा, बाहर ले आएंगे
तो हो सकता है कि वो स्पार्क करके खराब हो जाएंगे।